ढेकानाल जिले के भुवन में मनाते आ रहे हैं पारंपरिक ऐतिहासिक बैल यात्रा। इस साल भी बंद करने का निर्णय लिया गया। महामारी कोरोना की वजह से इस साल सिर्फ परंपरा रक्षा करने दो बैलों को प्रतिबंध सहित बदल यात्रा को शांति कमेटी के प्रस्ताव को प्रशासन ने ग्रहण किया है। भुवन का बड़ा पर्व दशहरा बैल यात्रा हर साल 2 महीने पहले सभी प्रकार की नीति नियम सहित शुभ खाम्बा स्थापना करके उसी दिन से बैल को गाँव में चलाने का अभ्यास किया जाता है, लेकिन 2 सालों से कोरोना की वजह से वो सब देखने को नहीं मिल रहा। करीब 30 बैल यात्रा में शामिल होते हैं। इस साल सिर्फ परंपरा की खाते दो बैलों को प्रतिबंध सहित यात्रा करने को प्रशासन की तरफ से अनुमति प्रदान किया गया है। हर साल विजयदशमी तथा एकादशी में भुवन में 2 दिनों तक बैल यात्रा अनुष्ठित होता है। इस साल सिर्फ विजयदशमी के दिन कोरोना प्रतिबंध का सभी नियम मानने के साथ सिर्फ थोरिया समाज और बनिया समाज की तरफ से परंपरा की रक्षा करने बिना धूमधाम के बैलों की आरती उतार कर पहले मदन मोहन, बाद में जगन्नाथ मंदिर को जाकर वहाँ पूजा करने के बाद अनुकूल यात्रा शुरू होकर बड़ा हॉट यात्रा खत्म करने का निर्णय लिया गया है। उसी तरह एकादशी के दिन हो रही मां का विसर्जन एक अस्थायी तालाब में किया गया। रावण दहन उत्सव को संपूर्ण रूप से बंद किया गया है। विभिन्न मंडपों की मूर्तियों का विसर्जन अपनी अपनी सुविधाओं से करने का निर्णय लिया गया है। बैल यात्रा सायंति कमेटी, बल्दिया पूजा समिति तथा प्रशासन की मिलित सहयोग से भुवन NAC सभागृह में आलोचना करके राज्य सरकार की 11 कोरोना प्रतिबंध को शांति कमेटी ग्रहण करने के साथ प्रशासन को पूरी तरह सहयोग करने का वादा किए हैं। कोरोना महामारी के लिए भुवन का ऐतिहासिक बैल यात्रा इस साल बंद हुआ है और भुवन का सबसे बड़ी दशहरा में बैल यात्रा बंद को सरकार की COVID-19 की सभी नियम प्रतिबंध को भुवन वासी सम्मान देकर अगले साल की प्रतीक्षा में। R9 भारत के लिए खिरोज चंद्र नायक की रिपोर्ट भुवन से।